हे गाइस, मैं हूं पिंकी आर्या और वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक मेन टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो कि है हाइपरपिगमेंटेशन। बहुत सारे लोग इस तकलीफ से जूझ रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम सभी लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम चले जाते हैं यूट्यूब की वीडियोस पर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल उल्लू बनाने का पूरा एकदम दौर चालू है यूट्यूब पर। तो बहुत सारे अगर आप ऐसे वीडियो खोलेंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए या हमें डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई रेमेडी चाहिए, तो आपके पास ढेरों सारी वीडियोस खुल कर आ जाएंगी जिसमें बहुत सारी रेमेडीज होंगी। आप लोगों ने की भी होंगी वो सारी, तो लेकिन उसमें से असर कितनी करती है ये आप ही लोगों को पता है। तो आज मैं कुछ इसी ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये पिगमेंटेशन और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। फर्स्ट आता है कि व्हाट इज हाइपर पिगमेंटेशन। तो हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? स्किन के ऊपर स्पॉट हो जाना, ब्राउन स्पॉट हो जाना, डार्क स्पॉट हो जाना, पैचेस हो जाना और झाइयां जिसे हम बोलते हैं, उन सभी को हम हाइपर पिगमेंटेशन का नाम देते हैं। हमारी जो स्किन होती है वो मेलानिन प्रोड्यूस करती रहती है, तो जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी स्किन के ऊपर या हमारी स्किन के ऊपर जो हमारा कलर रिफ्लेक्ट होता है, जैसा हम दिखते हैं, वो मेलानिन की वजह से ही होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है हमारी स्किन के ऊपर कि वो प्रोड्यूस ज्यादा स्किन ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे स्किन के ऊपर फ्रेकल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, जो हाइपर पिगमेंटेशन का नाम ले लेते हैं। अब इनके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो हम पहले बात करने एक्सटर्नल की, जो कि बहुत ही कॉमनली तरीके से सभी लोग जानते हैं कि जो है सनलाइट, जो धूप के अंदर हम ज्यादा घूमते फिरते हैं, जो हमारी चीजें एक्सपोज होती हैं, जैसे हाथ पैर जो भी है, मुंह हमारा ज्यादा एक्सपोज एरिया होता है, वो सारे उसके संपर्क में आते हैं सन के संपर्क में। और वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनकी, वो हमारे चेहरे के ऊपर झाइयां, डार्क स्पॉट, डलनेस और ये फ्रेकल्स वगैरह दे देते हैं। इंटरनल जो होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस, जिसका डॉक्टर ही पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से और किस तरीके का हार्मोन चेंज हुआ है, जिस वजह से ये हाइपरपिगमेंटेशन आपको आ गई है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हाइपरपिगमेंटेशन होते हैं। तो फर्स्ट होता है कि धूप के अंदर आप एक्सपोज हुए हैं, तो उस वजह से आपको हो गए हैं फ्रेकल्स, जो कि मोस्टली गोरे लोगों में देखा जाता है, नोज के अराउंड पूरा या ये जो एरिया होता है वहां पर बहुत सारे ब्राउन ब्राउन करके तिल हो जाते हैं, जिसको फ्रेकल्स बोलते हैं। इनको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इनको रेगुलर रखते ही अपने स्किन के ऊपर, हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सेकेंड जो स्पॉट होता है वो है एज स्पॉट, जैसे कि अब जो लेडीज होती है मोस्टली वो 40 के अराउंड अगर वो क्रॉस करती है या 30 के अराउंड वो क्रॉस करती है, तो उनकी एज स्पॉट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जो कि ब्राउन ब्राउन पैचेस हो जाते हैं, ये भी एक हाइपरपिगमेंटेशन ही होता है। जो थर्ड होता है वो है मेलाज्मा। एक्चुअली ये मेलाज्मा अपने इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमनली है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी लेडीज को हो जाता है। पूरा जो एरिया होता है गाल का और नाक का, इस पर एक अलग तरीके की लेयर बन जाती है, जिसे मेलाज्मा बोला जाता है। और इसको ट्रीट करना एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी होता है जो लास्ट बहुत टाइम तक रहता है, लेकिन किसको प्रेगनेंसी के दौरान होता है जो आफ्टर प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की हाइपरपिगमेंटेशन होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि YouTube से हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, कि कैसे इनको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे इनको ठीक करें, लेकिन हल्दी नींबू इन सब चीजों से वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। YouTube पर पैसा बनाने के लिए ऐसे ढेरों वीडियोस हैं, चाहे आप किसी भी चैनल को उठाकर देख लीजिए, चाहे होम रेमेडी हो, DIY चैनल हो या कोई वैसी चीजें बता रहे हो, उन सभी के पास एक ही पर्टिकुलर, क्योंकि इस पर व्यू बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये सब्जेक्ट डेफिनेटली वो लोग उठाकर रखते हैं। मेरी क्या राय है इस बारे में, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मार्केट के अंदर भी बहुत सारे हाइपरपिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए दवाई मौजूद है, जैसे अल्ट्रा ब्राइट है या लाइट ब्राइट क्रीम है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इवन दो जो नोस्कार क्रीम है वो भी हाइपरपिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है, मेलास करके क्रीम है, ये बहुत सारी क्रीम है, स्किन लाइट क्रीम है, ये सारी जो चीजें हैं वो
हाइड्रोक्रोम क्रीम है और ये हाइपर पिगमेंटेशन को एक हद तक कम भी कर देती है, लेकिन ये इतनी इजी और इतना जल्दी जाने वाली चीज नहीं है। अगर आपका एक बार ये क्रीम यूज करने के बाद चली भी गई है तो मेरी राय यही होगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन आपको कौन सा वाला है और वो कैसे ट्रीट किया जा सकता है। किन्हीं को बहुत माइल्ड होता है, जैसे फ्रिकल्स वगैरह होते हैं जो, या फिर हल्का प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है वो बहुत ही ईजिली वो निकाल देते हैं, लेकिन किन्हीं को केमिकल पील की जरूरत होती है, उसके बाद ही वो जाते हैं। तो इन सब में मेरी राय यही है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल के अंदर इन सब चीजों को देखकर या क्रीम को जो भी आपको दे उनको लगाकर अपनी स्किन को खराब ना करें। ये सब चीजें डॉक्टर से ही ट्रीट होंगी। मैं एकदम साफ और सीधी बात करने के लिए आई हूं। मेरे पास ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपको परमानेंटली हाइपर पिगमेंटेशन से छुटकारा दिला दे। एक हफ्ते दो हफ्ते आप अगर हाइड्रोक्विनोन क्रीम लगाते भी हैं तो उस टाइम के लिए हाइपर पिगमेंटेशन आपका चला जाएगा, लेकिन 90% चांसेस यही रहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन दोबारा आ जाते हैं। अब रही बात जिनको इनसे बचना है, उनको क्या करना चाहिए कि उनको सनस्क्रीन डेली अप्लाई करना चाहिए। जब भी आप धूप के अंदर एक्सपोज होते हैं आप डेफिनेटली ये कंसर्न में रहें कि आप सनस्क्रीन जरूर से जरूर अप्लाई करें, चाहे वो SPF 20 हो, 30 हो, 40 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपने सनस्क्रीन SPF 30 भी लिया है तो उसको आप अप्लाई करें विदाउट एनी मेकअप, और मेकअप के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं सनस्क्रीन को, मॉइस्चराइजर के बाद और मेकअप से पहले आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, और उसके बाद आप उसको 20 से 15 मिनट तक सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ही वो अपना असर दिखाएगा। अगर आप डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा के फट से आप धूप में बाहर निकल जाते हैं तो वो वेस्ट है, इससे तो अच्छा ना ही लगाएं। 20 मिनट आपको इंतजार करना है, उसके बाद ही आप धूप में निकले। तो ये सारे जो प्रोसीजर है ये आपको बचाएगा हाइपर पिगमेंटेशन से। प्रिवेंशन बेटर देन द क्योर, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को ये हो गई है, एटलीस्ट 50% लोगों को इंडिया के अंदर है ही हाइपर पिगमेंटेशन, खास करके लड़कियों के अंदर, और अब तो मैंने केसेस देखे हैं कि बॉयज को भी बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है। तो उन सभी के लिए मेरा इलाज यही है कि आप कोई भी हाइड्रोक्विनोन क्रीम या किसी भी तरीके की, जो ये यूट्यूब पर हल्दी चंदन ये जो कुछ भी अगर आपको बोल रहे हैं तो आप प्लीज ना लगाएं। पर्सनली कोई डॉक्टर यूट्यूब पे आकर आपको कुछ कंसल्ट कर रहा है या आप उनसे अपनी चीजें पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी है, वो भी बहुत ही अच्छी चीजें बनाती हैं और वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों का रिप्लाई करेंगी। तो किसी डॉक्टर के पास ही जाएं, ऐसे किसी भी DIY चैनल या किसी भी होम रेमेडी चैनल पर जाके अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ये था मेरा हाइपर पिगमेंटेशन का ये पूरा टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी कि जरूरत क्या होती है हाइपर पिगमेंटेशन वालों के लिए, क्या डॉक्टर पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है, किसी भी क्रीम को उठा के नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नॉलेज आपको भी मिली होगी। कुछ अगर आपके पास नॉलेज है तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे साझा कर सकते हैं, वो मैं सभी का रिप्लाई करूंगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहे, मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें, तभी आप नोटिफाई रहेंगे मेरे न्यू वीडियोज के लिए। कोई सजेशन क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट के थ्रू पूछे। तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।